मॉस कैपेसिटर की बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद अब हम और डिटेल में उसकी ऑपरेशन को स्टडी करने वाले हैं तो पहला केस है जब हमने उसमें कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है अच्छा वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है लेकिन जब डिफरेंट लेयर्स को हम एक साथ ला के एक सिस्टम बना रहे हैं तो जरूर उनके एनर्जी बैंड डायग्राम पे तो इफेक्ट हो रहा होगा तो उसको देखते हैं और इनसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मूले आएंगे वो भी नोट डाउन करते हैं क्योंकि आगे चल के ये बहुत यूज होने वाले हैं स्टार्ट करते हैं बैंड डायग्राम मेटल से तो मेटल का एनर्जी बैंड डायग्राम बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन अपने फर्मी लेवल से फ्री स्पेस में जाता है तो उसको उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन तो वर्क फंक्शन मेटल की हमारी होती है नियर अबाउट 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेक्स्ट लेयर थी हमारी इंसुलेटर की दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड अगर इंसुलेटर है दैट मीनस कि उसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होगा सो इट इज नियर अबाउट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके बाद जो एनर्जी और लग रही है क्यू का है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्ड लेयर हमारे पास सबस्ट्रेट की है अच्छा कौन सा सबस्ट्रेट हम स्टडी किए थे मॉस केपेस्टिटम में पी टाइप हमने पी टाइप लिया था तो फिर मॉसपेट कौन सा है ये एन मॉस वेरी गुड एन तो एनमोस्ट में पी टाइप सबस्ट्रेट है पी टाइप सबस्ट्रेट का अगर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए तो क्या डिफरेंस होता है एन टाइप से इसकी फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास में होती है तो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसके बाद और एनर्जी जो अप्लाई की वो 4.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री स्पेस में जा पाएगा सो so, ये एनर्जी बैंड डायग्राम्स हो गए इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आगे बताऊंगी वो आपने पढ़े हैं लेकिन हाँ फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि वो यूज होने वाले हैं उनको भूलना नहीं है स्टार्ट करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में इक्विलिब्रियम होल एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन से होल कॉन्सेंट्रेशन पी टाइप में कितना होता है नियर अबाउट एक्सेप्टर आयन कॉन्सेंट्रेशन अब मास एक्शन लॉ को यूज़ करें तो हमें इलेक्ट्रॉन का भी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा

तो सारा की कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत अच्छे से इसको नोट करिए कि ये नेगेटिव होता है एन टाइप के लिए ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमारा डोनर आयन न्यूमरेटर में तो ये तो पॉजिटिव रहेगा तो पी के लिए नेगेटिव एन के लिए पॉजिटिव फर्मी पोटेंशियल और सेमी कंडक्टर का वर्क फंक्शन क्या होगा इसके लिए ये फॉर्मूला है तो क्यू फाइए इज वर्क फंक्शन फॉर द सेमी कंडक्टर इसे क्यू का है प्लस EC EF. ये वर्क फंक्शन आपका सेमी कंडक्टर का है अच्छा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हो गए तीनों एनर्जी बैंड डायग्राम्स हो गई अब हम सिस्टम बना देते हैं सिस्टम बनाने के लिए हमें तीनों मटेरियल्स को तीनों लेयर्स को एक साथ लाना पड़ेगा तो ये अभी तो बस हमने एक बताया है कि मेटल ये है ऑक्साइड ये है सेमी कंडक्टर ये है लेकिन जब आप डिफरेंट मटेरियल्स को कॉन्टैक्ट में लाते हो तो फर्मी लेवल्स को अलाइन होना जरूरी है फर्मी लेवल्स की जब अलाइनमेंट करोगे तो ये जो कंडक्शन बैंड है देखिए इसमें तो कुछ नहीं है इनको अलाइन करने के लिए एक लाइन में लाएंगे तो ये सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं, ये ऊपर चले जाएंगे ठीक है ऊपर इनको खींचेंगे, इनको ऊपर खींचेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ये इस तरीके से बन जाएगा ये बन गया मेटल ऑक्साइड एंड पीटाइप सेमी कंडक्टर तो ये खेच करके लेवल्स ऊपर चली गई और ये फर्मी लेवल अलाइन हो गए अच्छा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट कर लीजिएगा कि ये तो यहाँ से एनर्जी लेवल्स तो कांस्टेंट हो गई है तो ये कौन सा पार्ट है सेमीकंडक्टर का ये बल्क है तो बल्क में एनर्जी लेवल्स जो होती हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करती हैं आपके इन फिजिकल कांटेक्ट से सिर्फ जो सरफेस साइड होती है या फिर जो इंटरफेस हो रहा है ऑक्साइड और पी टाइप में वहीं पर आपको बैंड की बेंडिंग दिखती है अच्छा बैंड की बेंडिंग यानी हमें इस सरफेस पर दिख रही है और यहाँ पे देखें तो ई और ई में देखें इतना डिफरेंस है लेकिन यही चीज सरफेस पर कितना कम डिफरेंस हो गया छोटा ही हो गया तो इंट्रेंसिक एनर्जी लेवल फर्मी लेवल के पास में आ गया यहाँ एक फर्मी पोटेंशियल और सरफेस पोटेंशियल को भी डिफाइन करते हैं तो इस लेवल पे जो है पोटेंशियल दैट इज फर्मी पोटेंशियल ये कांस्टेंट है भाई लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल है सरफेस के पास उसे सरफेस पोटेंशियल कहेंगे सो दिस इज फाइव दिस इज फाइव एफ तो जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया इनको मैंने यहाँ पॉइंट्स में भी लिख दिया है आप इसे नोट कर सकते हैं इसके अलावा और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं दैट इज बिल्ट इन पोटेंशियल डिफरेंस तो बिल्ट इन पोटेंशियल डिफरेंस इस मॉस सिस्टम का क्या होगा क्यू फाइव माइनस क्यू फाइव इसका फॉर्मुला आपने देख लिया है सिंपल वैल्यूज प्लेस करेंगे तो हमें बिल्ट इन पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फ्लैट बैंड वोल्टेज अच्छा नाम तो एकदम साफ साफ बता रहे है ना किसी चीज को फ्लैट करना है तो हमें अभी कहीं पर बेंडिंग मिली थी यस yes, सरफेस पे मिली थी बल्क में तो फ्लैट ही था यानी अगर हमें ये एक ऐसी वोल्टेज होगी जिसको हम अप्लाई करें तो हमारी बैंड की बेंडिंग खत्म हो जाएगी यानी कि वो फ्लैट हो जाएगा

इसकी वैल्यू कितनी होगी यही फर्स्ट लाइन में लिख दिया यानी कि तो ये रहे आपके सारे फॉर्मूले और बेसिक आपका कैपेसिटर नेक्स्ट केस होगा कि जब हम बाइसिंग अप्लाई करेंगे तो फिर क्या कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कॉन्सेंट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे क्या फर्क पड़ेगा सो so उसको भी जरूर देखिए स्किप मत करिएगा अच्छे से देखिएगा और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर दीजिएगा थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे